आज प्रैक्टिकल की क्लास में हम बताएंगे कि आप लोग अक्सर देखते हैं कि पानी जो है ऊपर से नीचे आता है, लेकिन आज के प्रैक्टिकल क्लास में हम बताएंगे कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ भी इसमें भरता है। ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने? देखा है? कौन देखा है? देखियो आखिर कैसे चढ़ेगा, इसका प्रोसेस हम बताएंगे आप लोगों को कि अगर ऐसे भी रख दें तो ये धीरे धीरे भरने लगेगा। ठीक, तो कैसे भरेगा आइए हम दिखाते हैं। मान लीजिए ये भी व्हाइट है, पानी भी व्हाइट है, तो इसका नहीं पता चलेगा, इसलिए इसमें कुछ कलर डाल देते हैं ताकि ऊपर चढ़ेगा तो पता चलेगा। लड़के जो है व्यवस्था किए हैं कुछ कलर का, पानी का कलर चेंज हो गया। जब पानी इसमें ऊपर चढ़ेगा तो दिखाई देगा कि कैसे कैसे चढ़ रहा है धीरे धीरे। इसके लिए पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हवा है अभी, क्या है इसके अंदर हवा। जब इसके अंदर का हवा हम निकाल देंगे तो खाली हो जाएगा पूरा, तो फिर ये हवा भरने के लिए अगर पानी में लगा देंगे तो धीरे धीरे ये पानी को अपनी ओर खींचेगा। तो इसका हवा हम कैसे निकालेंगे, अगर इसमें पूरा पूरा जल जाए किसी माध्यम से तो इसके अंदर की हवा निकल जाएगी। तो आइए हम एक परफ्यूम इसके अंदर डालेंगे। परफ्यूम लाओ जी, पहले लाइटर जलाओ। देखो ये परफ्यूम है, इसके अंदर हम मार देंगे। लाइटर जलाओ, जलाओ अभी। देखो ये जल रहा है, जैसे जैसे जलेगा, दिख रहा है जल रहा है ना, जैसे जैसे जल जल जाएगा वैसे इसके अंदर की हवा पूरी निकल जाएगी। खत्म हो गया, खत्म हो गया, कब बुझ गया था। अब आप लोग देखेंगे इसमें पानी धीरे 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 नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है सर, जा रहा है। चढ़ गया, फूल हो गया, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। वहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो धीरे 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 पानी, थोड़ा सा हम लेट कर दिए, जल्दी किए होते तो और चढ़ता। यहाँ दिखाओ, पानी देख रहे हैं आप लोग, पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ना, और ऊपर आएगा धीरे धीरे। ये कैसे हुआ, इसके अंदर हवा था और जब हमने परफ्यूम मार करके आग लगा दिया तो क्या हुआ, अंदर का हवा पूरा निकल गया, और निकलने के बाद वो पूरा खाली हो गया। जैसे ही हमने पानी में रखा ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ यहाँ दिखाओ, कलर इसलिए डाले थे कि पानी चढ़ेगा तो दिखेगा। धीरे 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 और चढ़ेगा धीरे धीरे ऊपर की तरफ। इसके लिए यही प्रोसेस है कि इसके अंदर परफ्यूम मार देंगे और जितना जल्दी उल्टा करके रखेंगे उतना ही जल्दी ये ऊपर की तरफ पानी चढ़ जाएगा। हो गया, बात पहुंच करो। आज हम बताने वाले हैं एक और एक्सपेरिमेंट आप लोगों को। अगर हम आलू को इस पानी में डालते हैं तो क्या देख रहे हैं, आलू क्या हो गया, पानी में डूब गया। तो हम इस जानना चाहेंगे कि आलू जो है पानी में क्यों डूब गया, कोई बताएगा आलू पानी में क्यों डूब गया? क्योंकि पानी का घनत्व आलू के घनत्व से कम है और आलू का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए आलू जो है पानी में डूब गया। तो हम क्या करेंगे कि जो आलू है पानी में तैरने लगे ऊपर आ जाए, तो हमको पानी का घनत्व बढ़ाना पड़ेगा। पानी का घनत्व बढ़ाएंगे तो आलू जो है क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा। इसके लिए एक होता है, क्या कहते हैं उसको, घोल कहते हैं, डिल्यूट।
माने सांद्र घोल है एक तनु घोल, तो तनु घोल मतलब बहुत ही डिल्यूट है, पतला है, और सांद्र मतलब उसको गाढ़ा है। सांद्र मतलब सीधा सीधा अर्थ उसका समझ लेंगे, गाढ़ा है। तो पानी जब तक सादा है तो समझेंगे कि वो तनु है, इसमें अगर कुछ मिला देंगे जो पूरी तरह से घुल जाए तो क्या हो जाएगा, ये सांद्र हो जाएगा। जब सांद्र हो जाएगा तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व जब बढ़ जाएगा तो आलू जो आलू के घनत्व से जब ज्यादा हो जाएगा तो आलू पानी में नहीं डूबेगा। तो इसके घनत्व को क्या करेंगे, हम बढ़ा देते हैं। आलू निकाल दिए, अब इसमें से थोड़ा चीनी मिलाओ, चीनी मिला के हम पूरा घुलाएंगे तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नमक भी आप लोग डाल सकते हैं, हाँ डालो डालो, बस 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 इतना। इसको घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, नमक रहता तो जल्दी घुल जाता। इसमें चीनी क्यों डाला गया है, पानी का घनत्व बढ़ाने के लिए। पूरा जब तक घुलेगा नहीं तब तक घनत्व इसका नहीं बढ़ेगा। घुल रहा है, देखिए धीरे धीरे जो है इसमें चीनी घुल रहा है और पानी का घनत्व बढ़ रहा है। जैसे जैसे घुलेगा वैसे वैसे पानी का घनत्व बढ़ता जाएगा। अब बिल्कुल घुल चुका है, थोड़े से रवे इसके बाकी हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, आलू डाल के देखते हैं। अभी इसका घनत्व कम है, थोड़ा और चीनी डाल के देखते हैं। डालो पूरा, और डालो, उतना नहीं, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा ही, बस 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 हो गया। नमक से घनत्व तो जल्दी बढ़ जाता है, नमक को जैसे डालिएगा ना जैसे डालते डालते जल्दी घुल जाता है, घनत्व तो बढ़ जाता है। कुछ देर के लिए स्टॉप करने के लिए चीनी जो हमने डाला है घनत्व बढ़ाने के लिए, चीनी बिल्कुल पूरी तरह से घुल चुका है। जैसे ये गाढ़ा होगा इसका घनत्व बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा। अब हम डालेंगे नींबू तो बिल्कुल नहीं डूबेगा, ऊपर आ गया। ऊपर क्यों आ गया, अगर जल्दी से इसका डेंसिटी बढ़ाना है, घनत्व बढ़ाना है पानी का, तो उसमें आप लोग नमक डालेंगे, जितना ज्यादा नमक डालेंगे उतना ज्यादा गाढ़ा होगा, घनत्व बढ़ जाएगा जल्दी से। चीनी ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, इतना में यदि आप आधा किलो चीनी डालिएगा तो जाकर ये पूरा गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तब जाके उसमें आलू भी डालिएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो अभी इस प्रयोग के बारे में आपने क्या जाना कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो पानी में, अगर कोई पानी में वस्तु डूब जाती है इसका मतलब कि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा है तभी वो पानी में डूब जाती है, अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो पानी में
तैरने लगेगी, नहीं डूबेगी। तो आज का ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था।